अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शिरीन काजी। आज हम बना रहे हैं मटन करी, तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी इधर एक कुकर रख लिया है, कुकर में अभी हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज में कटी हुई प्याज। प्याज को अभी हम अच्छे से पका लेंगे। देखिए प्याज अच्छे से पक चुकी है, अभी हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 3 छोटे चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, ये चम्मच थोड़ा छोटा था तो मैंने 3 चम्मच डाल दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे ड्राई कोकोनट का मसाला और 2 टमाटर का पेस्ट। टमाटर में मैंने थोड़ा सा धनिया के पत्ते डाल के इसको अच्छे से पीस लिया है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें मटन का गोश्त को डाल देंगे। देखिए मैंने गोश्त को डाल दिया है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा देंगे। देखिए मैंने कुकर को बंद कर दिया है। अभी हम इसको 5-6 सीटी में पका लेंगे। देखिए 6 सीटी के बाद गोश्त अच्छे से पक चुका है। अभी हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए मैंने कढ़ी को दूसरे बर्तन में निकाल दिया है। देखिए कढ़ी ये थोड़ा थिक है, इसलिए मैं अभी 1/2 गिलास पानी डालूंगी। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। अभी हम इसको अच्छे से पका लेंगे इसको ऑयल छूटने तक। देखिए मैंने इधर सर्व कर लिया है मटन करी को। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है ये करी। आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको बघारा खाना या व्हाइट चावल के साथ सर्व कर लें। बघारा खाने की रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, प्लीज़ एक बार चेक कर लें। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।